में जा रहे हैं, परमेश्वर की जय जयकार करने हम जा रहे हैं। आइए अपने आप को हम तैयार करें। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। कुछ समय हम स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने सारे अवस्थाओं को भूलकर आज अभी हम प्रभु की उपस्थिति में है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में है और अपना अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं आज की आराधना के लिए। आज पूरे विश्व भर में विभिन्न जगहों पर ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, घरों में मीटिंग हो रहा है, हर जगह प्रार्थना सभाएं चल रहा है। और हम भी आज इस राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के साथ हम फैमिली एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आइए कुछ समय हम स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद। गीत आएगा परंतु परमेश्वर हमारी स्तुति को चाहता है, परमेश्वर हमारे मुख से महिमा को चाहता है। उसने पूरा सप्ताह भर संभाला, पिछले पूरा सप्ताह भर संभाला। अभी तक कोरोना का कोई भी असर हमारे ऊपर होने ना दिया, प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर रही। धन्यवाद। हम में से कई लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, कई चीजों को छूते हैं, परंतु कोई भी कोरोना वायरस का असर हमारे ऊपर अभी तक ना होने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु हम आपको धन्यवाद करते, यीशु हम आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी स्तुति करते, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। यीशु हम आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद करें। सभी लोग मिलके ताली बजाएं। यीशु धन्यवाद, सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होता यहोवा की आराधना। मिटे सब आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होता यहोवा की आराधना करे। कहता उसका लहू के तले। आए जो भी उसके पास पिता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें भुका यहोवा की। ताली बजा के एक बार आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें भुका यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरता तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरता तेरे जीवन को। महासागर जैसी, महासागर जैसी बादों में खोलेगा द्वार, बादाओं में खोलेगा द्वार। महासागर जैसी,
बाधाओं के खोले का द्वार, पाप और श्राप होंगे दूर, यीशु के लहू से मिलके आराधना हो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे गिर तुझका तू न घबराना, यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे गिर तुझका तू न घबराना, देख तेरे सामने, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय है, प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल, छुटकारा केवल यीशु ही में, आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक गाऊं उसका भजन, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक गाऊं उसका भजन, प्रभु की सेवा, प्रभु की सेवा करूं जब तक मुझ में जा, प्रभु की सेवा करूं जब तक मुझ में जा, चाहे सारी दुनिया, चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, करे मेरा अपमान, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया, रक्तम रक्तम यहोवा की आराधना करे, आराधना हा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता है, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों से देता, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूते हाथों से बहता उसका लहू, के गले बहता उसका लहू, के गले आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से,
यहोवा निसी, यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला। आइए मिलके गाएं आत्मा में, चोट तेरे गिरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला, चोट तेरे गिरे तुझको, सामने प्रभु ने देवी विजय देखने सामने प्रभु ने देवी विजय छुटकारा छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना मिलके आराधना हो सब लोग मिलके गाएं आत्मा में आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की एक बार आराधना आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से यहोवा की आराधना आराधना हो आत्मा से सच्चाई से हर एक चीज जिसमें होता यहोवा की आराधना हो आत्मा से आराधना यहोवा की आराधना हो आत्मा से हम आपकी महिमा करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं यहोवा की एक बार आत्मा में गाए आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें दुखा यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें दुखा यहोवा की आराधना करे हालेलुया। आइए आत्मा में हम ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद यीशु हालेलुया। आत्मा में ताली बजाइए आपको ताली बजा के आराधना करे अपने जगह पर आपकी प्रभु को महिमा करे यीशु बजूंगा यीशु को मैं हर परिस्थिति में बजूंगा यीशु को मैं मेरे जीवन का एक सहारा वो है बजूंगा गुण सदा यीशु मेरे जीवन का एक सहारा वो है बजूंगा गुण सदा हर समय हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन का एक सहारा वो है बजूंगा गुण सदा यीशु के मेरे जीवन का एक सहारा वो है बजूंगा गुण सदा यीशु के आग भी तू है परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं मेरे जीवन
सहारा वो है, बचूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बचूंगा हूँ सदा यीशु के। तू सृजन हारा है, तू तारण हारा है, तू पालन हारा है, मेरा प्रभु तू ही है। तू सृजन हारा है, तू तारण हारा है, तू पालन हारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर समय हर हाल हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। मार्ग तू ही है, मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में करूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा। आइए ताली बजा के आत्मा में गाए। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु की। आवाज उठाऊंगा मैं, नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है ये गीत सुनाऊंगा। आवाज उठाऊंगा मैं, नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है ये गीत सुनाऊंगा। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। आदि भी तू है, आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। तू सृजन हारा है, तू तारण हारा है, तू पालन हारा है, मेरा प्रभु तू ही है। तू सृजन हारा है, तू तारण हारा है, तू पालन हारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा यीशु के। मार्ग भी तू है, मार्ग भी तू है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू। मार्ग, मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर समय हर हाल हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा यीशु के। आवाज गाऊंगा मैं, नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है ये गीत सुनाऊंगा। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हूँ सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा। आत्मा में ताली बजा के मेरे जीवन, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा हूँ सदा।
एक और बार मिलके हर समय हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। हो मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा गुण सदा। आइए आत्मा में मिलके मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा गुण सदा। एक और बार आत्मा में गाए मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा गुण सदा। हर समय और हर हाल हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। आत्मा में हर जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु। एक और बार ताली बजा के मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। जीवन का एक ही सहारा वो है भजूंगा तुम सदा यीशु के। हालेलुया 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 यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरी महिमा आपकी महिमा हम करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु धन्यवाद धन्यवाद वशन देने राजा कलकार शुना विभजा दिन रंदे दिन दूषम दे नवरव गाना चला लगते नवरम दिल नीदर रंगन रंदे जंदे नवरशन नीदर रंगन राधा। यीशु की जय हो जय हो महिमा यीशु तेरी महिमा महिमा यीशु की महिमा यीशु की महिमा हालेलुया यीशु धन्यवाद। भाई हम लोग प्रार्थना अपने आप को हम नम्र करें और कह परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु आपकी स्तुति को चाहता है आपकी महिमा को चाहता है। प्रभु को हम धन्यवाद दें अपने आप को हम नम्र करें आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आइए मिलके आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और बार आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति।
आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया हम बच्चे हैं परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में हम बच्चे हैं परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. धन्यवाद हालेलुया 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 एक बार मिल के गाए हालेलुया हालेलुया सभी लोग को आता है ये शब्द हम मिल के आत्मा में गाए हालेलुया हाले अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया आत्मा में हालेलुया प्रभु की महिमा हो शतहर रहे हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं हालेलुया यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए आराधना के लिए धन्यवाद आगे के सभी हम आपको देते हैं यीशु के नाम से आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितने लोग खुश और आनंदित है हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया हालेलुया आमेन महान परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है गवाही का समय है बच्चे सब तैयार हो जाए और बच्चों में प्रभु के बच्चे में सबसे बड़ा बच्चे अब ये गीत गाएंगे मैं देखता हूँ प्रभु में सबसे बड़ा बच्चा कौन है प्रेज़ द लॉर्ड गीत गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड लॉरेन सैंडी अब एक गीत गाएंगे उसके बाद बच्चे सब गवाही के लिए प्रेज़ द लॉर्ड तैयार रहेंगे लॉरेन सैंडी आवाज आ रही है क्या हेलो हाँ आ रहे आ रहे गाइए वंडरफुल सेवियर जीसस माय लॉर्ड अ वंडरफुल सेवियर टू बी He guided my soul in Left up the dark When he was out there I see
प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गवाही का समय पहले जॉन, जॉन अपना गवाही दे, अपना वजन बताओ जॉन, उसके बाद जस्टिन और जॉयल, जॉन के बाद जस्टिन और जॉयल तैयार रहेगा। यहोवा मेरा चुनवा है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुख चाई चल के जीने के पास ले चलता है। जाम्स 34:1-2। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जस्टिन जॉयल है क्या? नहीं है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज़ द लॉर्ड एलिशा एलिशा नहीं है एलिशा सॉरी रजी ओके प्रेज़ द लॉर्ड आशीष और नितिन भजन संहिता जो बच्चे हैं बच्चों को आगे करे हालेलुया The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ayan, ayan aa gaya. Comfort, comfort. God is the best. Amen. Ye gaur hai na wa chota bachcha ye gaur hai. Hallelujah bole. Hallelujah. Adan adan dompet dekhi ke. Niyo to va. Ha. Ha bolo. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी नीति 16:3 आमीन प्रेज द लॉर्ड जोहन्ना जोहन जेनी जोशुआ यीशु यीशु गॉड इज वाटु हां हैं लेली मैंने पेडेलडी मानरो जीसस द प्रेयर टेस्टिंग प्रे न्यू हार्ट रेट इन द मिंग कर देते क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए जॉन 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए जॉन 3:16 Blessy. है जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो है राजा राजा के सब लोग उसकी प्रशंसा करो क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है साम 1:17-1:2 आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इससे पहले कि एंजल और एनोश वचन बोलेंगे और कोई है तो बोल सकता है अन्यथा सबसे आखिर में एंजल और एनोश प्रार्थना करेंगे और पास्टर बैजू सब बच्चों के आशीष के लिए उज्जवल भविष्य के लिए पास्टर बैजू प्रार्थना में सहायता करेंगे और कोई बच्चा रह गया है जस्टिन जोएल Psalms chapter 121 verse 1 I lift up my eyes to the mountains where does my help come from my help comes from the Lord the maker of heaven and earth Amen Amen aur hai udhar nahi Joel nahi hai
ओके ओके वीडियो में दिख नहीं रहा था, एक बार बोले एंजल जो एंजल जोएल एक बार बोले बच्चन, वीडियो में दिख नहीं रहा था क्लियर। बस जी जोएल नहीं है, जस्टिन है। ओके ओके जस्टिन। हां Psalms chapter 121. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. Thank you, praise the Lord. Joel, sorry, Angel, Angel or Enosh? Enosh, अभी नहीं बोलना है. Enosh नहीं बोलना है, बाद में बोलना है. पहले Angel आज बोलेगा, बोलना पड़ेगा. Angel. आगे करो एंजल को। हाँ बताए एंजल, बहुत अच्छा लड़की है, बोलो। हाँ शाबाश, कोई बात नहीं, अगला सप्ताह बोलेगा पास्टर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक बोलेगा। हाँ जो सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5 आमेन। प्रिय लोगों, आइए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, सब बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे, और आगे हमारे प्रभु का दास पास्टर बाबू फिलिप पहुंचे हमारे बीच में है, परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। प्रेस लॉर्ड उपस्थित सभी लोगों को प्रभु बहुत आयदा से आशीष दे। जो लोग गवाही नहीं बोल पाए अभी भी, अगर किसी का कोई खास प्रार्थना विषय है तो बोल सकता है। प्रेस लॉर्ड अन्यदा प्रेस लॉर्ड पास्टर भाई जो प्रार्थना करके प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक और दिन आपने हमको दिया ताकि तेरी आराधना और महिमा कर सके परमेश्वर। हम मिलकर एक मन होकर हमारे हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे बच्चे लोग तेरी सेवकाई में निकल पड़े, तेरे नाम के लिए अपना जिंदगी को देने के लिए, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन वो सीखते हैं वो उनके लिए अनुग्रह का कारण बने, उनके परमेश्वर मन की गहराई तक उस वचन का आशीष और उनका उनके अंदर आत्मा तक वो वचन कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम एक मन होकर परमेश्वर हमारे बच्चे लोगों को आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। संसार की अभिलाषा से, शैतान के सारे परमेश्वर चाल चलन से उन्हें बचा कर रख परमेश्वर, और अपने अनुग्रह से हर एक को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम एक मन होकर प्रभु के दास प्रभु जी फिलिप पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे तेरे वचन को हमारे साथ बांटते समय पवित्र आत्मा का गवाही हो, पवित्र आत्मा का जीवन हमारे बीच में कार्य करे, तेरे नाम की महिमा हो जाए प्रभु जी। तेरे वचन से हम सबको आशीषों से भरने के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक मन होकर रहने के लिए हम सबको आप सहायता प्रदान कर, केवल केवल यीशु मसीह तेरे नाम ही हमारे बीच में ऊंचा हो परमेश्वर। प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, आप सब लोग मेरे साथ बोलना है, अभी जो मैं बोल रहा हूं आप अपनी जगह में उसको दोहराइएगा। सब लोग उन जैसे शब्दों में बोलना है, हे यहोवा, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक उसे पकड़े रहूंगा, पकड़े रहूंगा। प्रिय लोगों, भजन संहिता 119 का 33 पद जो हमने अपनी मीटिंग आरंभ किया था, तब से यही वजन हम अपने लिए ले चल रहे हैं, ताकि वजन के आधार पर हम अपने जीवन को जिए और आगे बढ़े। आज परमेश्वर का वजन से हम सुनने जा रहे हैं प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर बाबू फिलिप ओजे हमारे बीच में है। प्रेस लॉर्ड, आगे का समय हम परमेश्वर का वचन को सुनने का है, प्रार्थना के साथ बैठे नीचे प्रभु हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे। पास्टर जी हम आपका स्वागत करते हैं और आगे का समय आपका है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से और एक पवित्र दिन हम सबका जीवन में दिया, हम एक साथ मिलकर आराधना करें करने के लिए और परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए। ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर अब तक हम हरेक को
परमेश्वर ने हमें संभाला, अपने हथेली के अंदर सुरक्षित रखा। मैं हम धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम उपस्थित परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासी लोग, बच्चे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की देता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर चलेंगे कि आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार के 19 अध्याय का 11वां वचन। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। लूका 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 चैप्टर 19, लूका 19 का 11वां वचन। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। उसके साथ 10वीं आयत एक बार पढ़िए मनियानी, 10 आयत के साथ में पढ़िए 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ बस आइए हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए हमारा प्रभु आ गया है। आज के मेरे संदेश के मुख्य बात यह है कि हमको उद्धार का जरूरत क्यों है। हमने हर एक मनुष्य की उद्धार का जरूरत क्या क्यों है, और उसके लिए परमेश्वर के वचन के अंदर 6 कारण भी हमें बताया गया हुआ है। हर एक मनुष्य को उद्धार होना जरूरी है, और ये क्यों उद्धार होना है इसके बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर 6 कारण हमें दिया हुआ है। इस साल में हम इस पवित्र दिन में हम सब मिलकर मनन करेंगे, उसमें हम 10वीं आयत में यह पढ़ा है, परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौते पुत्र है कि खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। मतलब हमें आमतौर पर हमें मालूम है हमारे से कोई खो गया या कुछ भी वस्तु हमें खो गया, हम उसको ढूंढ कर निकालने से हमें चैन मिलता है, निकालने के बाद हमें खुशी मिलता है। कोई भी वस्तु हो या कोई भी जन हमारे से खो जाने से उसमें हमें बहुत दुख लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने स्वयं रूप में समानता में बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर से खो दिया। किन किन बातों से ये परमेश्वर से हमें खो दिया है, या परमेश्वर अपने महिमा सहित बनाया हुआ मनुष्य में से किन बात उनसे खो गया, ये बातों को परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें साफ साफ दिखाता है, बताता है। इसलिए हमें उद्धार का जरूरत है, ये बात परमेश्वर के वचन से हम आज देखना चाहते हैं कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से हमें अध्ययन कर रहा है। बहुत सारे मैसेजेस कई परमेश्वर के दास लोगों से, अभिषिक लोगों में से हम सीखकर आ रहा है, लेकिन और भी हमें परमेश्वर का करीब जाना है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर से मर्जी या परमेश्वर का मकसद भी यह है कि परमेश्वर से दूर हो गया हुआ लोगों को परमेश्वर से का करीब लाना है। तो वो परमेश्वर को पहले से ही मालूम था कि मनुष्य अपना को परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आ सकता है, क्यों परमेश्वर का जो महिमा जो परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर पहले से दिया हुआ
उस महिमा जो अपना को मनुष्य ने खो दिया वो वापस लेकर परमेश्वर के पास न आना मनुष्य से असंभव की बात है। इसलिए परमेश्वर ने बनाया हुआ योजना कि हम इसके बारे में हम उस छोटे समय के अंदर हम मिलकर मनन करेंगे। छह मुख्य बात, छह रीजंस, छह कारण कि हम उद्धार पाने के लिए, हम हर एक के लिए उद्धार के लिए जरूरत पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कारण यह है, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन का यो प्रकाशन को रिजेक्ट कर दिया या तुच्छ समझा। मनुष्यों में से सबसे पहले एक बात हो गया, परमेश्वर के उस प्रकाशन की हमें रिजेक्ट कर दिया। सारे लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, सबसे पहले एक वचन, दो तीन वचन उसमें पढ़ेंगे। उसमें वचन सबसे पहले हम पढ़ेंगे नया नियम के अंदर एक्ट चैप्टर 14 वर्स 17, प्रेरितों का काम चैप्टर 14 वर्स 17 हम पढ़ेंगे। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। तो परमेश्वर ये किया हुआ उस बातों को हमें बताता है, लेकिन मनुष्य अपना को इस बातों को या परमेश्वर के वचन का उस दर्शन को या उस रेवलेशन को वो समझ नहीं पाया। और वो अगले दूसरे एक वचन बड़े वचन संहिता 19:1 वचन संहिता 19:1 आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखो, आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल परमेश्वर के हस्तकला को प्रकट करता है। इस वचन का अर्थ हो, ये रेवलेशन कहां से आए या इस प्रकाशन कहां से आए? ये वचन का लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल परमेश्वर के हस्तकला को प्रकट करता है। ये जो मनुष्य कि परमेश्वर के तुल्य बनाया हुआ या परमेश्वर का महिमा सहित बनाया हुआ उस मनुष्य को कि ये परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझने के लिए शक्ति था, क्षमता था, लेकिन वो उसने खो दिया। ये भजनकार ये अपने समझ से या परमेश्वर ने दिया हुआ रेवलेशन उसका प्रकाशन से ये वचन संहिता लिखा हुआ है। हमें मालूम है परमेश्वर के वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र नया नियम के अंदर प्रेरित पौलुस तिमोथी का जो पत्री में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर का प्रेरणा या परमेश्वर का प्रकाशन जो जिसको मिलता है, उन लोगों को परमेश्वर के आत्मिक बातों को समझने का क्षमता होता है। इसी प्रकार आत्मा में जो प्रकाशन ले जो पाया हुआ लोग, ये जो भजन संहिता लिखता है, लेकिन परमेश्वर ने जो सबसे पहले जो बनाया हुआ मनुष्य का भी, मनुष्य से लेकर जो परमेश्वर का रेवलेशन या प्रकाशन को खो दिया, सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का वो प्रकाशन जो बातों को खो दिया है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 19:20 वचन भी हम पढ़ेंगे, रोमियो चैप्टर 1:19-20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है।
देखो परमेश्वर मनुष्य को जगत को उत्पत्ति से जब ने परमेश्वर मनुष्य को बनाया तब से लेकर परमेश्वर का गुण परमेश्वर का सामर्थ्य को सबको मनुष्य को जो सामने प्रकट कर दिया है। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों ने क्या किया, उस प्रकाश को या परमेश्वर को ज्ञान को सबको दिया। इसलिए क्या होता है, मनुष्य को परमेश्वर के ओर होने के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए या पूर्व स्थिति में होने के लिए उद्धार का जरूरत है। ये पहला कारण यह है। क्या पहला कारण यह है, रिजेक्शन ऑफ द बिब्लिकल रेवलेशन, परमेश्वर का आत्मिक बातों का तुच्छ जानने से परमेश्वर के ओर या उद्धार पाना अवश्य है हर एक मनुष्य। अभी दूसरी बात हम देखेंगे, और दे डिसओबेइंग देयर ओन कॉन्शियस, या समझ में से उनका विवेक में से परमेश्वर से आज्ञाकारिता नहीं रखा, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। इस बातों का हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्र दूसरा अध्याय उसका 14 से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे, तभी उसमें हम ये बात बताते हैं। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा वहां लिखा हुआ है, जो कोई भी करने के बावजूद भी अपना आप को अपने कॉन्शियंस अपना मनसा, मलयालम में हम कहता है मनसा चिकुत, इसी प्रकार कहता है, हमें एक विवेक परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो उस विवेक में क्या होता है, अभी इस जमाने में लोगों का जीवन में भी जो कोई भी पाप करेगा तो भी वो कहता है कोई बात नहीं चलेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के आत्मा वास करते हुए लोग उसके अंदर से ये बातों को बता देते। तो परमेश्वर ने पहले नियम दिया, व्यवस्था दिया, लो दिया है, लेकिन उसमें से उल्लंघन किया, उस बातों को तोड़ दिया, और वो उसके उल्लंघन करने की वजह से क्या हो गया, और अपना आप को फिर जो कोई भी सामने आता है, जो लोग दिखाता है बताता है, वो सब अपना कॉन्शियंस से उसको समझौता कर दे, अपना आप को समझौता कर दे। तो इसलिए क्या होता है कि एक पाप कर दिया और दूसरा कर दिया, कि अपना जो शुद्ध विवेक नहीं, वहां उस विवेक के अंदर मिलावट हुआ, उस विवेक जो परमेश्वर ने दिया था उस विवेक में और गड़बड़ी आए, वो अपने आप को फिर सॉल्यूशन, अब कोई बात नहीं, परमेश्वर को मालूम है अपना स्थिति को, परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर माफ कर लेंगे। एक बार ऐसा किया तो फिर भी बार बार ऐसा करते हैं, तो अपने आप को जो सॉल्यूशन अपना विवेक में से निकाल कर आगे बढ़ता है। इसलिए क्या होता है, ये बात या शुद्ध विवेक में गड़बड़ी आए, कि उसमें अनागारिकता आए, क्यों उस इसी इसलिए क्या होता है, फिर भी वो शुद्ध विवेक पाना होता। इसलिए मनुष्य को क्या है, इसलिए हम जो भजन संगीता 51 हम पढ़ते वक्त पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो दाऊद ये कहता है कि दाऊद जब परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तब दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि तेरे आत्मा मुझे दे, और जो उद्धार का जो आनंद मुझे वापस दे। किसी प्रकार जो परमेश्वर का जो व्यक्ति है, परमेश्वर का जन, जो उनका शुद्ध विवेक से
जो परमेश्वर ने दिया है उस विवेक में से क्या होते हैं, क्यों जब भी परमेश्वर का कहना नहीं माना या परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं तब वो परमेश्वर से दूर हो जाते। तो पहले बात हमने देखा है परमेश्वर का जो वजन का रिजेक्शन, बिब्लिकल रेवलेशन का रिजेक्शन हमें देखा है, और दूसरी बात ये हमने देखा है डिसोबेइंग, परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बना, परमेश्वर से क्या आज्ञाओं को जो जो बात परमेश्वर का दिया बोला था, परमेश्वर ने बताया था, वो आज्ञा नहीं माने। तो अपने शुद्ध विवेक से विवेक में गड़बड़ी लाई, विवेक को फिर भी कठोर कर दिया, और ये बात हमें रोमियो का पत्री के अंदर हमें देखा है। और तीसरी बात ये है, हमें जो रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड, हमें ये संसार से मित्रता कर दिया, हमारे जीवन के अंदर संसार से मित्रता पाई, ये जो हमारे जीवन में बहुत गलत का काम हो गया। हर एक इंसान का जीवन में परमेश्वर जो ये संसार से मित्रता होने से क्या हो गए कि, और इसके बारे में हम वजन पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री दूसरे अध्याय उसका दूसरा वजन, पहले हम पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वजन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखो आज्ञा न मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। एक वचन और पढ़ेंगे जेम्स याकूब का पत्री उसका चार का चार, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते कि संसार में मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखो ये व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं चाहती है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करता है। हमें ये देखा है कि हमारा रिलेशनशिप या सारे संसार के मनुष्यों का रिलेशनशिप पर वर्ल्ड से हो गया, संसार से हुआ, तो उसके मित्रता परमेश्वर से अलग होकर संसार में मित्रता हो गया, तो उस इसलिए क्या होता है उनका जीवन में फिर से और परमेश्वर का ओर मोड़ने के लिए उद्धार का जो अवश्य उनका जीवन में हो गया। तो ये दो आयत और भी है, हम पढ़ेंगे पहला जोन फर्स्ट जोन चैप्टर 2 वर्स 15 और उसमें हम पढ़ेंगे और 15 टू 17 पहला जोन उसका दूसरे अध्याय उसका 15वां आयत से और 17वां आयत तक हम पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखो परमेश्वर का प्रेम जो संसार और संसार के वस्तुओं में प्रेम रखने वालों में नहीं है, जो संसार को मित्रता करने वालों का जीवन में और जीविका का घमंड आ जाता है और शरीर की लालसा हो जाता है, आंख की लालसा हो जाता है, इसी प्रकार क्या संसार में फिर भी डूब जाएंगे। तो इसी कारण क्या होता है मनुष्य को फिर भी उद्धार का जरूरत होता है। इसलिए हमें जो परमेश्वर के वचन हमें पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार के 19 अध्याय उसका 10वीं पद में, जो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया और उसको उद्धार करने के लिए आया
हमें हम सब खोए हुए लोग थे, हमारे परमेश्वर से खोए हुए लोगों को ढूंढकर उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार देने के लिए परमेश्वर का पुत्र संसार में आया। तो इन सारे बातों में से हमको ये बताता है, हमें जो क्या क्या बात हमारे जीवन में हुआ या परमेश्वर से दूर होने से, सबसे पहले परमेश्वर का जो बिब्लिकल बात, ये आत्मिक बात, तुमका दर्शन या रेवलेशन जो प्रकाशन हमसे खो दिया। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के सामने अनाज्ञाकारी बना और परमेश्वर के बातों को उल्लंघन किया। और तीसरी बात, हमें संसार से मित्रता बनाई, हमें संसार से मित्रता बनाई। अभी चौथा बात यह है कि हमारे रिलेशनशिप टू सैतान, हमें सैतान से हमारे रिलेशनशिप या पूरे संसार में सैतान का रिलेशनशिप में चल गया सारे लोग। हाँ देखो, हम खो जाए परमेश्वर का ओर खोने से हमें फिर सैतान से रिलेशनशिप हो गया। हाँ उसमें भी परमेश्वर का वचन में सबूत है, हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसका 42-44 42-44 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखा, वहां हम देखते हैं कि शैतान से रिलेशनशिप हुआ, शैतान से रिश्ता जुड़ गया। कैसे? परमेश्वर के वचन के अंदर से हमको यह बताते, तुमने तुम्हारे पिता का लालसा पूरा करना चाहते हो, वो आदि में से वो हत्यारा है। परमेश्वर के दास हमको ये बताया था कि जो वियो वर्गीस पैशन है, हमको जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में हमें क्लास हमें दे रहा था, परमेश्वर के दास भी हमको इसके बारे में हमें समझाया थे कि हमें शैतान से हमें मित्रता किया, शैतान से हमें हमारे मित्रता हो गया। ये इसलिए वो उसके स्वभाव के बारे में सब वर्णन कर रहा है कि वहां जो परमेश्वर के वचन के अंदर सुसमाचार में हम ये पढ़ता है, वो आदि से हत्यारा है, वो हत्यारा है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ का पिता है। इसलिए उस इसके साथ इसी प्रकार जो स्वभाव या ये गुण को प्रकट करने वाला शैतान के साथ हमारे रिश्ता जुड़ गया है। तो इसलिए हमें फिर से उद्धार का जरूरत पड़ता है। और एक वचन और पढ़ेंगे, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय उसका 31वां वचन। तब उस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ देखा, संसार के सरदार निकाल दिया जाएगा। जब ये संसार के न्याय हो जाएगा, तब ये संसार के सरदार के बारे में वो निकाल दिया जाएगा। और 2 Corinthians 4:4 ये भी हम पढ़े, 2 Corinthians उसका 4 अध्याय उसका 14वां वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखो, ये संसार का प्रभु सारे लोगों का
मन को अंधियारा कर रखा है, अंधक कर रखा है कि परमेश्वर क्या, यह प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार उनका जीवन में ना चमके। तो ये है शैतान का कार्य। इसी प्रकार शैतान का कार्य करता है, जो शैतान से जो रिलेशनशिप करता है उसके संगति में हम जाए, उनका साथ मित्रता करने वालों का जीवन में ये होता है। इसलिए क्या होता है, अवश्य है कि हमें फिर से उधार पाना या परमेश्वर के ओर मुड़ना। तो हमें शुरू से देख के अभी हमें चार बात देखा है कि सबसे पहले हमारा जीवन में से जो बिब्लिकल रेवलेशन रिजेक्ट कर दिया, दूसरा डिसोबेइंग देयर ओन कॉन्शियस मतलब अपने शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बातों को उल्लंघन किया, और तीसरी बात हमें ये संसार से हमें मित्रता रखी, और चौथा बात हमें शैतान के साथ हमारे मित्रता हो गई, और पांचवी बात हम और देखेंगे हमें पाप के साथ हमारा रिलेशन हो गया, हमें मित्रता रखी, हमारा रिश्ता पाप के साथ हो गया है। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17, यह उत्पत्ति का किताब उसका दूसरे अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो यहाँ प्रभु परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हवा को जो बना करके एदन का वाटिका में लगाया, वहां प्रभु परमेश्वर ने उनको ये जो बात कहा कि तुमने इस वृक्ष का ज्ञान भले और बुरे बातों के ज्ञान दिखाने वाले इस वृक्ष का फल तुम नहीं खाना है, तब जो तुम जब खाओगे तुम अवश्य मर जाएंगे। तो ये बात देखो, हम जो मनुष्य तोड़ दिया परमेश्वर का इस बातों को नहीं माना, इस कारण क्या हुआ पाप। हम रोमियो का पत्र उसका 5:12 हम ये इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक ही मनुष्य ने पाप किया, उस पाप के कारण मृत्यु भी संसार में प्रवेश हुआ है, रोमियो का उसका 5:12 में। तो ये सारे बात हम जानते हैं, और भी वजन है, और उसका 7:14 रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 14वां वचन। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। देखो तो व्यवस्था तो आत्मिक है लेकिन शारीरिक बात ये पाप करने वाले मनुष्य, देखो क्योंकि हम जानते हैं व्यवस्था तो आत्मिक है कि परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है, कि पाप के साथ मनुष्यों का रिश्ता जुड़ गया पाप। इसलिए रोमी इसका 5:12 में भी हम इस प्रकार पढ़ता है, एक ही मनुष्य या पहला मनुष्य परमेश्वर ने जो बनाया उस मनुष्य परमेश्वर से पाप किया, उस पाप के कारण मृत्यु भी संसार में प्रवेश हो गया के लिखा हुआ है। इसलिए हमारा रिश्ता पाप के साथ जुड़ गया। हर एक मनुष्य जो ये संसार में रहता है हर एक मनुष्य पापी है, उसका पाप का रिश्ता पाप के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया, इसलिए उसको वापस परमेश्वर के ओर मुड़ना है तो उसको जरूर अवश्य उधार पाना होगा। इसलिए निकोदिमोस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर निकोदिमोस प्रभु यीशु मसीह से पूछा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अवश्य तुमने सच सच मैं तुमसे कहता हूं तुमने नया जन्म पाना होगा। नया जन्म या उद्धार, ये नया जन्म पाने से स्वर्ग राज्य में ही प्रवेश हो सकता है। निकोदिमोस यहूदियों का सरदार था,
यहूदियों को जो नियम को सबको सिखाने वाला टीचर था, लेकिन उसको ये बात मालूम नहीं था। उसने रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये बताया, जो कोई भी जल और आत्मा में नया जन्म नहीं पाते या उद्धार नहीं पाते वो स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनता है। ये बात सब हम अच्छी तरह जानते हैं सबको, और हम इसके बारे में एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्र उसका 4 अध्याय उसका 18वां वचन। हमें जो संसार में पाप के साथ मित्रता हुई, एक बात और इफिसियों के पत्र के अंदर भी हमको पढ़ने मिलता है, उसका 4 अध्याय उसका 18वां वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। देखो, परमेश्वर का जीवन से अलग किया क्योंकि उनके बुद्धि अंधेरी हो गई और उसके अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण क्या हो गया, पाप के साथ मित्रता हो गई, पाप के साथ रिलेशन ऐसा बढ़ते बढ़ते गया पाप के साथ। इसलिए उनको अवश्य है कि उद्धार होना, इसलिए अवश्य है उद्धार होना। तो और आखिरी बात, छठवीं रीजन, छठवे बात, परमेश्वर के साथ या उनका रिश्ते नहीं था परमेश्वर से, रिलेशनशिप टू गॉड, परमेश्वर के साथ उनका जो कनेक्शन नहीं था, परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन को या रिलेशनशिप को तोड़कर और बिना परमेश्वर से बिना जी रहा था और जीने वाला उस अवस्था में मनुष्य पहुंच गया कि परमेश्वर को टोटली और परमेश्वर के साथ का रिश्ता खत्म कर चला गया था, ऐसे चलता था। तो परमेश्वर को ये सारे बातों को मनुष्य के प्रति मालूम था, इसलिए परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य के लिए ये उद्धार का जो कार्य या प्रोसेस परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। तो ये छठवे बातों को भी हम देखेंगे, उसके लिए वजन में लिखा हुआ है, वजन का सबूत भी चाहिए ना। तो ये सबूत इससे लिखा है, इफिसियों का पत्र का 2 अध्याय उसका 12वीं पद में हम पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर नहीं था या परमेश्वर किसी का भी जीवन में नहीं था, परमेश्वर को छोड़कर जा रहा था, इस बात को लिखा हुआ है इफिसियों का पत्र का 2 अध्याय उसका 12वीं पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। देखो, जगत में ईश्वर रहित थे, तुमने उस समय मसीह से अलग होकर इसराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा भागी नहीं थे। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, उसमें से सब वंचित होकर हमें पे ईश्वर रहित, परमेश्वर नहीं, किसी का भी जीवन में परमेश्वर नहीं, बिना परमेश्वर के जो नास्तिक बनकर या कोई भी परमेश्वर को ना जाने नहीं मान, ऐसे ही चलते हुए एक अवस्था थे उस समय। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, 1 John 5:12, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 12वां पद। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखो, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उनके पास जीवन भी नहीं है। हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से हमें जीवन दिया है, वो जीवन हमारे से खो दिया, हमने खो दिया। तो इतने सारे लोसनेस या इतने सारे बात एक व्यक्ति के अंदर से एकदम से जो जा था तो वो खो गया,
उस ये सारी बात खो जाने से और मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, वो ही है प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। उस प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है। उस प्रभु यीशु मसीह हम जो लुकारिज समाचार में हम जो 19 अध्याय का 10वीं आयत में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए वो उनको उद्धार करने के लिए आया। उस उद्धार जब परमेश्वर ने जब हमारे लिए ये प्रतिज्ञा किया था एदन के वाटिका में से, एदन के वाटिका में जब परमेश्वर अपने समानता में अपने स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य एदन का वाटिका में जब परमेश्वर के विरोध पाप किया, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया, इसलिए उसी समय से लेकर मनुष्य पापी बन गया। हर एक मनुष्य उसी समय से लेकर अभी तक आज का दिन में भी पैदा वो बच्चा तक भी पापी है। उस पाप में से परमेश्वर अपने पास फिर से महिमा सहित हमारे परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ इस बात है उद्धार ये सारे मनुष्य के लिए। इसलिए हमें जो मेरे ये संदेश का शीर्ष में मैं ये बताया था कि सारे मनुष्य का उद्धार का आवश्यक क्यों है, इसका 6 बार परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें देखा 6 कारण, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर से उनका जीवन में क्या क्या लॉस्ट हो गया। परमेश्वर का दिव्य रेवलेशन या प्रकाशन सबसे पहले मनुष्यों में से खो गया और फिर दूसरी बात मनुष्यों में से खो गया कि और उसके शुद्ध विवेक और संसार में संसार के साथ मित्रता करने गया और तीसरी बार 14 बार और शैतान के साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया और 5वीं बार सिन पाप के साथ रिश्ता छोड़ दिया। फिर 6वीं आयत में परमेश्वर को बिल्कुल ही नहीं परमेश्वर रहित या जीवन जिया, टोटली परमेश्वर बिना परमेश्वर से परमेश्वर के अलावा जीवन जिया है। इसलिए ये 6 कारण से परमेश्वर को पहले से मालूम था। ये जो 6 बात परमेश्वर अपने समानता में स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य में से मनुष्य अपना को ये 4 बातों को खो दिया है। इसलिए परमेश्वर को स्वयं मालूम था ये मनुष्य अपना को परमेश्वर के पास नहीं आ सकते या पूर्व स्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं मिला पा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने जो बनाया है उद्धार, ये बात स्थापित हम करेंगे। हम जाएंगे इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3rd और 4th वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3rd और 4th वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। देखा परमेश्वर अपने पार्ट कर लिया है, परमेश्वर अपने ओर से मनुष्यों के लिए मनुष्य को फिर भी उद्धार होकर परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने ये योजना को बनाया, परमेश्वर ने ये उद्धार। और इसके बारे में परमेश्वर बहुत सारे
लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को और प्रेरित लोगों को सबको इसके बारे में जो बता दिया है, उन लोगों का जीवन में भी अनुभव किया है उस सुसमाचार, ये उस उद्धार का संदेश आज भी हम लोगों को देते रहता है, आज भी इस लोगों का जीवन में उद्धार हो रहा है, आज भी ये कार्य को हम लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के थ्रू या प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर के ये उद्धार का संदेश को हम आज भी सुनाते रहता है। आज भी परमेश्वर अपने कार्य को इसी प्रकार किया जो परमेश्वर का समय पर परमेश्वर हरेक मनुष्य के लिए वो कार्य किया है। तो ये परमेश्वर को पहले से ही मालूम था जो मनुष्य को उद्धार होने के लिए, इसलिए हम नया नियम के अंदर तिमोथी का पहला तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 के अंदर हम इसी प्रकार पढ़ता है, परमेश्वर का इच्छा यह है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए, सत्य को बलिदान दी पहचान। वैसा हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सब मनुष्य का उद्धार हो जाए, कि परमेश्वर का इच्छा यह है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को बलिदान दी पहचान। ये बात परमेश्वर सबसे पहले से अभी भी परमेश्वर का इच्छा ये है, सारे मनुष्य का उद्धार हो जाए और ये सत्य को बलिदान दी पहचान। तो इसलिए मेरे प्यारे लोगों, हम सभी का जीवन में ये सत्य को जानने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, ये उद्धार होने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया है कि ताकि हम अपने आप को, हमें परमेश्वर का और नहीं जा सकता था, इसलिए परमेश्वर ये योजना, परमेश्वर अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये संसार में भेजकर, ये संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास पहुंचने के लिए, हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हम सारे ये संसार के तमाम लोगों के लिए परमेश्वर ने वही बात योजना बनाया। इसलिए मेरे प्यारों, हम ये अंतिम समय में पहुंच गया हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वारा आगमन निकट है। तो इसलिए जो परमेश्वर हमारे लिए जो किया हुआ वायदा या प्रतिज्ञा का पूर्तिकरण होने वाला है, अभी इन समय में ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो महामारी अब इतना प्रभावशाली होकर बढ़ रहा है और एक तरह से बाढ़ हो रहा है और अनेक लोगों का जीवन गवाह हो रहा है और बहुत बड़ा घटना और परेशानियां मुसीबत हमारे सामने है, तो ये समय में हम ये अच्छी तरह समझते हुए हमारा परमेश्वर हमारे लिए किया हुआ ये उद्धार, हमें ये समय अभी उद्धार का समय है, अभी ये रक्षा जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ ये महान उद्धार को हमें तुच्छ ना समझे, हमें इसको रिजेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे जो खोए हुए जूस अवस्था जहां हमारा लोसनेस हमें वापस देने के लिए परमेश्वर का ओर से हमें जो ये बात को मिला, परमेश्वर का ओर से हमें हमारे लिए तैयार किया हुआ ये उद्धार को हमें प्राप्त करें। जो कितने लोग उसके लिए अभी वंचित है, जो उद्धार होने के लिए बाकी है, अभी समय है अभी अपने आप को हम जांच के देखें, मेरा जीवन में जो मैं कितना संसार से मित्रता करता है या मेरे रिलेशन पाप में जीवन में मेरा रिलेशन है या मेरे जीवन में कितना जो सांसारिक जीवन में बिताता है या मैं शैतान के साथ या मेरा मित्रता है या नहीं, उसमें से जो परमेश्वर का ओर से खो गया हुआ सारे बात है, वापस लौटकर परमेश्वर का जो महान प्रतिज्ञा को हम पाते हुए हम परमेश्वर की ओर नया शरीर से जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम परमेश्वर के वचन के अंदर कई उदाहरण को देखता है, हम जकाई को देखता है, जकाई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने अंगीकार किया
वो जो जकाई जो चुंगी लेने वालों का सरदार थे, वो सारे संसार से उसका मित्रता थे। सर हमने देखा ये जो छह बात, वो पूरे छह बातों में भी उस शामिल व्यक्ति था, लेकिन वो परम प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने उनके तमाम पापों को अंगीकार किया, तब उनका जीवन में उद्धार हुआ, उनका परिवार में उद्धार हुआ। हम परमेश्वर का वचन के हम इसी प्रकार पढ़ता है, ये भी अब्राहम का वंश से है, आज इस कारण इस घर के आज उद्धार हुआ है, तो जकाई और उसके परिवार उद्धार पाए। और हमें मालूम है उड़ाऊ पुत्र के बारे में, हमें उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं उनका जीवन में, और दो बच्चे थे, लेकिन छोटे वाले उस पिता से क्या कहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा उस संपत्ति जो कितना है आप मुझे दे दो। उसके पर पिता ने अपने संपत्ति को बंटवारा करके ने छोटे वालों को दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, पूरे दुनियादारी में डूब गया। दुनिया के ये सारे छह बात आज हमें जो मनन किया, वो छह बात उनका जीवन में था, उनको जो बिब्लिकल रेवलेशन नहीं था, और उसके जीवन में वह सांसारिक मित्रता थे और वो शैतान के मित्रता थे, पाप के पापमय जीवन बिताया, पाप से उनका रिश्ता थे, उसका परमेश्वर है नहीं था, लेकिन वो आखिरी में अपना आप को मंत्र आया, अपना आप में परमेश्वर के ओर आ गया, उसमें मंत्राओं का अवस्था उनका जीवन में मिला, उनका जीवन में उद्धार का जो अनुभव हुआ वो वापस परमेश्वर के ओर लौट गया है। इसी प्रकार मेरे प्यारे लोगों, ये समय यहाँ समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ जो ये समाप्त करना चाहूंगा, आज हम इस वक्त में परमेश्वर के वो हमें बोले, हम संसार से मित्रता नहीं रखना चाहिए। हमें भजन में से देखा है, संसार और संसार के वस्तुओं में प्रेम रखने वालों को पिता का प्रेम नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उस उद्धार को परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पाने के लिए हमें मौका मिला है, जो कितने लोगों को नहीं मिला है उन लोगों के लिए भी परमेश्वर ये मौका दे। ये सुंदर समय है, ये अभी आखिरी क्षण हो सकता है, अगले पल के लिए हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हमें इसलिए ये स्वत्व को हमें समय को सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें, जो परमेश्वर हमको देखते हुए समय को हमें इस्तेमाल करें, हमें सदुपयोग करें, परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। हमें उद्धार के लिए, हमें उद्धार पाने का जरूरत क्या है, हमें छह बार हम परमेश्वर के वचन से देखा है, इस छह बार हमें जो हमसे खो गया था, हर एक इंसान से खो गया था, इसलिए हमारा उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वह परमेश्वर का योजना पूरा किया, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार है। प्रेरितों का काम उसके चार अध्याय उसका बारहवीं पद में हम पढ़ते हैं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में मनुष्य को उद्धार करने के लिए और कोई नाम नहीं है प्रभु यीशु मसीह का नाम के अलावा, इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार करता है। हम सभी को उस परमेश्वर के का उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने मौका मिला, और आगे भी और जो परमेश्वर का मर्जी में जो हमें मिला हुआ ये सौभाग्य अंत तक परमेश्वर प्रभु के आगमन तक हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना भी करें, और जो लोग उधार में से वंचित लोग हैं अभी उधार पाने के लिए हम लोगों के लिए प्रार्थना भी करते रहे, इस परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन के सम्मुख में हम समर्पण करें। जो लोग घुटना टेक सकता है घुटना टेक कर परमेश्वर का आराधना करें। अगला 10 मिनट हम प्रभु का आराधना करके सभा को समाप्त करेंगे। अगला 10 मिनट अपना हाथ उठाकर पूर्ण रीति से प्रभु में होकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर प्रभु में बाकी सब कुछ भूलकर हालेलुया प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया प्रभु तेरे हम तेरे आराधना करते हैं। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया
ओ प्रेस लॉर्ड प्रभु जी तेरा जोर ओवर हाथ बढ़ाकर तू आज हमें छू दे यहाँ से इस मीटिंग से लीव होने से पूर्व परमेश्वर तेरा हाथों का स्पर्शन प्रभु हम महसूस कर सके ताकि इस अंधकार में जगत में प्रभु हम जीवन जी सके प्रभु हमें छू दे प्रभु हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। जिस प्रकार हमने वचन सुना आइए अपने आप को समर्पित करें प्रभु खोए हुओं को ढूंढने आया है वो खोए हुओं को ढूंढने आया है और उसने हमें ढूंढ कर पाप से अलग किया है आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप को नम्र कर कर कहें प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद Oh,
शुद्ध किया, नम्र करते हुए तेरे ही गीत यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह वो शाम। एक बार मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा मैं तेरे ही जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से एक बार मिलके खाइए। जब मैं गुनाहों में था, जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मुकाने के लाए, तेरे सामुकाने के लाए, मैं खदा पियो के ना था, मैं खदा पियो के ना था, धन्यवाद यीशु, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति तेरी करूंगा। इसके मिलके गाओगे, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह सुबह हो शाम। एक बार अपने हृदय की गहराई से गाए, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह हो शाम। एक और बार तेरे अनुग्रह को मैं कैसे बोलूं, तेरे अनुग्रह तेरी दया मैं कैसे बोलूं प्रभु, जैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्रापों को तूने मेरे श्राप को तूने हटा, खुद श्रापित बनकर मसीह बना, खुद श्रापित बना मसीह, इसलिए तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया, तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया, इसलिए मिल से गाएंगे, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, अपने दोनों हाथ उठाकर यीशु तू है महान, अपने दोनों हाथ उठाकर दिल से गाएं, मैं
तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह हो शाम तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह हो शाम तेरा ही नाम तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह हो शाम Lord, hallelujah. प्रेमी अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पवित्र दिन में परमेश्वर अब तक तेरे चरणों में बैठने के लिए आपने सहायता किया प्रभु प्रार्थना करते हैं जस्टिन जॉयल और उनके परिवार के लिए परमेश्वर स्वर्गीय आशीष से तृप्त कर भोपाल से तेरे बच्चे हमारे साथ जुड़ा है खुदा तमाम कार्यों को पूरा कर पूर्णानंद और उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बरकत दे आशीष दे ब्लेस और उसके परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु परिवार के एक एक लोगों को आशीष दे हमारे साथ मीटिंग में आया प्रभु कदास प्रभु शंकर के लिए हम प्रार्थना करते हैं गाड़ी में बैठकर भी प्रभु जी वो तेरे आराधना में परमेश्वर शामिल हुआ तेरे बेटे को तू सहायता कर आगे भी परमेश्वर अपने बेटे को लेके आए कि हम मिलकर प्रभु तेरी आराधना कर सके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर चेन्नई से जैना और उनका परिवार हमारे बीच में है प्रभु तमाम स्वर्गीय आशीष से प्रभु जी तृप्त कर फेबा और परमेश्वर उनका परिवार के एक लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु जी एक एक को तो स्पर्श कर परमेश्वर सुंदर गीतों से प्रभु तेरा आराधना कर किया पास्टर जस्टिन और उनका परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया और भी आशीष के साथ प्रभु तो इस्तेमाल कर सुमित्रा और उनका परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया परिवार के एक एक परमेश्वर लोगों को तू छू दे खुदा हाँ प्रभु जी मेरे सिस्टर उनका परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु तो स्पर्श कर तो उनका परमेश्वर हालेलुया तमाम काम काजों को सफल बना प्रभु जी हालेलुया ओ प्रभु तेरा श्रेष्ठ दास फिलिप होजे के लिए धन्यवाद सुंदर वजन परमेश्वर आज तेरे दास के जरिए हमें सुनने के लिए मिला प्रभु भय और भक्ति के साथ तेरे वचन को ग्रहण करके प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए का गुवाही प्रभु तेरे दास के जरिए दिया धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया हम सबको तू सहायता कर अंजु ससुरों उनका परिवार के लिए धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया स्वर्गीय आशीष से तृप्त कर खुदा हालेलुया चंदा और उनका परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी आमेन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक एक को तू आशीष दे प्रभु जी ओ काजल और उनका परिवार के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया तमाम काम काजों को सहायता कर उनके परिवार में कोई बीमार है तो प्रभु इसी समय तो छू कर हालेलुया चंगाई दे परमेश्वर हालेलुया तेरा दास समूएल और उनका परिवार के लिए धन्यवाद खुदा बीच में हमारे मीटिंग में आया पास्टर बैजू के लिए धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया और जितने लोग परमेश्वर इन दिनों में हमारे साथ जुड़ा सबको प्रभु तू आशीष दे खुदा हालेलुया शाम का मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी शाम का मीटिंग में प्रभु जी हाँ बहन आशा को परमेश्वर का वचन से बोलने के लिए सामर्थ्य प्रभु जी हालेलुया फिर से मिलने तक हम एक एक को अपने पंखों के लिए सुरक्षित रख प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पाप प्रभु जी हालेलुया पास्टर जस्टिन का साथ जो परिवार है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बच्चों को बहनों को और उनका परिवार के एक एक लोगों को प्रभु तू आशीष दे खुदा हालेलुया इस प्रकार पिछले दिनों में हालेलुया और भी जो लोग हमारे साथ आए थे उन सबको आशीष दे बरकत दे प्रभु तूने अपने आदर्श हाथ बढ़ाकर हमें छुआ धन्यवाद एक एक को बल दिया धन्यवाद एक एक को शक्ति दिया धन्यवाद इसी शक्ति के साथ प्रभु शाम को मिलने तक रहने के लिए सहायता धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारा प्रार्थना को सुना प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सब के साथ विश्व भर के पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होता रहे आमीन अनम्यूट करे आप प्रेज़ द लॉर्ड हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद किसी परिवार का नाम लेना भूल गया तो माफ कीजिएगा किसी परिवार का नाम लेना भूल गया तो माफ कीजिएगा प्रभु आपके साथ है प्रेज़ द लॉर्ड शाम को फिर मिलेंगे हालेलुया Bye 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 bye
बाय बाय।